हेलो दोस्तों, मैं सिबा, मेरे चैनल सिबा कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे डेट ऑफ बर्थ से अपनी उम्र निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना। तो हम चलते हैं, मैंने पहले से ही एक टेबल बना के रखी हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप, हाउ टू कैलकुलेट एज। यहाँ पर मैंने कुछ के नाम लगा कर रखा हुआ है, उनके डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में हम इनका ईयर्स, मंथ, नंबर ऑफ डेज, टोटल मंथ्स एंड टोटल डेज निकालेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ईयर्स निकालते हैं। ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट, उसके बाद में हम जिस सेल में हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर की हुई है उस डेट ऑफ बर्थ के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बी कॉलम में फोर नंबर रो पे है, तो यहाँ पर आ गया B4। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे टुडे, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे। दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर एज निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में Y लिखेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, उसके बाद में हमारा ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। दोस्तों, एक्सेल में सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि जितने ब्रैकेट हम ओपन करेंगे उतने ब्रैकेट हमें क्लोज भी करना होगा। ओके, सो हमारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है, अब देखते हैं अप्लाई होता है। ये देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ है सिवा की, 5 अगस्त 1977। उनकी एज हो गई आज 15 मई 2019 के लिए 41 साल। इसी तरह से हम इनके मंथ्स निकालेंगे कि 41 साल के बाद में कितने महीने के ये हो गए। तो हम सेम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं ये, और यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर टेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ईयर के बाद में क्योंकि हमें मंथ चाहिए तो हम वाई के बाद में एम लगाएंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बराबर डेटेड इफ C4 की जगह यहाँ पर बस B4 करना है, क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो लिखी हुई है वो B4 में लिखी हुई है, तो ये B4 कर दिया हमने, टुडे वाई एम। अभी हम इसको ओके कर देंगे, तो ये देखिए 41 साल के बाद में 9 महीने हो रहे हैं आज की डेट 15 मई 2019 के लिए। इस तरह से हम डे निकालेंगे। डे के लिए भी हम सेम फॉर्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फिर से यहाँ पर C4 हो गया, तो C4 के लिए हम B कर देंगे, B4, क्योंकि हमें इस कॉलम की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। तो अभी हमने Y के बाद में M किया था, क्योंकि Y स्टैंड्स फॉर ईयर, M स्टैंड फॉर मंथ एंड डे स्टैंड फॉर दिन, तो हम Y काट देंगे, क्योंकि हमें मंथ के बाद में डे चाहिए, तो हम MD लिखेंगे बस। ये देखिए, मैंने D लिख दिया यहाँ पर, फिर मैं इंटर कर दूंगा। ये देखिए, तो सिबा 5 अगस्त 1977 के लिए 41 साल 9 महीने और 10 दिन का हो गया। अगर हम टोटल मंथ निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टोटल मंथ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस यही फॉर्मूला कॉपी कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे MD जो हमने लिखा था यहाँ पर केवल M कर देंगे, बाकी ये C4 हो जाता है, तो इसको हम B4 करते हैं। इसको करना नहीं भूलिएगा, वरना आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके, एंटर करेंगे, तो टोटल मंथ हो गए 41 साल 9 महीने 10 दिन में 501 मंथ। इसी तरह से हम डे कैलकुलेट करेंगे, तो वही करेंगे, फॉर्मूला कॉपी कर दिया, पेस्ट किया, उसके बाद में हम यहाँ पे केवल D लिखेंगे। ये देखिए, मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर, तो सिवा आज दिनांक 15 मई 2019 के लिए 41 साल 9 महीने 10 दिन का हो गया, इसके टोटल मंथ हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं,
501 एंड टोटल डेज हो गए 43,593। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ निकली हुई है तो हम इसको ड्रैग कर देंगे सिंपल। ये देखिए मैं सभी को ड्रैग कर देता हूँ, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम कैसे डेट ऑफ बर्थ से अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके दोस्तों, थैंक यू।